नारायण। देवर्षि कहिए प्रभु, आज क्या फिर ब्रज का बचपन याद आ गया? हाँ देवर्षि, जब ये चित राजनीति की समस्या और घर संसार के झगड़ों में उलझकर अशांत हो जाता है, तब इसे शांत करने के लिए मुझे इधर खींच ले आना पड़ता है। तब तो ये कहना चाहिए कि आपने इतना बड़ा घर संसार बसा कर एक आपत्ति मोड़ ले ली। निश्चय स्त्री मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। नहीं प्रभु, इस बात को आपका ये भक्त कभी नहीं मान सकता। स्त्री दुर्बलता नहीं बल्कि मनुष्य जीवन की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो विधाता से भी बड़ी है। वो कैसे? विधाता मनुष्य को बनाता है, परंतु स्त्री अपनी मात्र शक्ति से मनुष्य का भाग्य और भविष्य बनाती है। भूलते हो मुनिराज, भाग्य और भविष्य ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, ये ज्ञान योग की बातें हैं। किंतु मैं भी तो कर्म योग की बातें कर रहा हूँ वासुदेव। संसार में सबसे बड़ी मातृशक्ति है, स्त्री के रूप में छिपी हुई ममतामयी माता को जिनकी आंखों ने नहीं देखा है वे ऐसा कह सकते हैं, मैं नहीं। मैंने तो संसार की हर स्त्री को माता के रूप में देखा है। स्त्रियों के बारे में मेरा ज्ञान आपसे ज्यादा है देवर्षि, ये न भूलिए। हाँ ये तो सच है, 16,108 स्त्रियों के पति को जितना ज्ञान होगा उतना इस बिचारे जन्म के ब्रह्मचारी नारद को कहा। परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि मातृत्व के सामने देवता तो क्या आपको भी झुकना पड़ेगा। यही ना, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जिस दिन मुझे भी झुकना पड़े। तब तो ये एक अमर इतिहास बन जाएगा। परंतु प्रभु आप बुरा तो ना मानेंगे? लोक कल्याण के लिए जन्म लेने वाले देवर्षि की हम किसी बात का बुरा नहीं मान सकते, जिसके कारण संसार में कितने ही महापुरुषों का जन्म हुआ, कितनी ही अमर आत्माएं अंधेरे को चीरकर प्रकाश में आई, जिसने वाल्मीकि से अमर काव्य की रचना कराई, ध्रुव को ध्रुपद दिलाया, संसार को भक्त प्रहलाद की धरोहर दी, उस नारद जी का कहना हम बुरा मानेंगे? धन्य है प्रभु, परंतु देखिए एक बालक की शक्ति से विश्व की महान शक्ति का युद्ध है, कहीं ऐसा न हो कि मैं अपनी हार को भी विजय समझूंगा। तो एक दिन संसार को यह मानना ही पड़ेगा कि स्त्री संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसकी नापतोल कहाँ होगी? क्या मणिपुर में? मगर याद रखिए देवर्षि, मैं भी इसके सामने ऐसी शक्ति रखूंगा जिसकी जोड़ संसार में नहीं मिलेगी। कोमल कली खड़क का वार नहीं रोक सकती। इसका फैसला तो मणिपुर में होगा भगवान। नारायण नारायण। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिस विधाता ने तुम्हें ये रत्न दिया है उसी ने इस रत्न का अधिकारी भी अवश्य बनाया है। वो कौन है मुनिराज? आप तो सब जानते हैं, आप ही बताइए ना वो कौन है। ऐसी तेजस्वी कन्या का अधिकारी कोई मामूली राजकुमार नहीं हो सकता। तुम निश्चिंत रहो, कुछ ही दिनों के बाद संसार का एक महान पुरुष स्वयं आकर तुम्हारी आशा पूरी करेगा। महान पुरुष? हाँ महान पुरुष, जो इस समय तीर्थ यात्रा करता हुआ इधर ही आ रहा है। भगवती भागीरथी गंगा के किनारे ऋषियों के आश्रम में। एतस्मिन् पुण्य पर्वणि श्री गंगा स्नानम् अहं करिष्ये। पर महाराज सूर्य का प्रकाश तो होने दीजिए। क्यों? क्यों क्या? रात्रि का अंतिम समय और फन फन करती हुई ठंडी हवा और बर्फ से ज्यादा ठंडा गंगा जी का पानी, इसमें डुबकी लगाकर तो ऐसी मोक्ष मिलेगी कि जल से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर नहाने से डरते हो? तो ये किसे पता था कि पांडु कुमार अर्जुन धर्म संकट में पड़कर तीर्थ यात्रा को निकलेंगे और वहाँ मुझे ऐसी सर्दी में स्नान करना पड़ेगा,
मैंने तो ब्राह्मण के कुल में इसलिए जन्म लिया था कि खूब खाऊंगा और दंड भी लूंगा। तब तो सबसे पहले तुम्हें ही डुबकी लगानी चाहिए। नहीं नहीं सव्यसाची, अगर कहीं ऐसी सर्दी में मेरा प्राणांत हो गया तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी और तीर्थ यात्रा में किया हुआ पाप बड़ा ही भयंकर होता है। इसलिए पहले आप स्नान कीजिए, मैं तो मानसिक स्नान करता हूँ। ओम हर 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 गंगे भगवती हर गंगे। निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ब्रह्म तेज से बच गया। अर्जुन कहाँ गए? अर्जुन पांडु कुमार क्या हुआ? पांडु कुमार कहाँ गए? मालिनी, पांडु कुमार के स्वागत की तैयारी करो और महल को इतना सजा कि वो भूलों को भी भूल जाए। जो आ गया। सुंदर
सुंदरी क्यों झिलमिल करते हुए रूप के इस चंद्रमा को अंधकार में न छुपाओ वरना सब कुछ छुपा रहेगा। सब कुछ क्या? आज का ये मिलन, इस मिलन का एक साक्षी तो रहने दो। नहीं महाराज, ये जलता है, जलने वाला ऐसे मधुर मिलन का साक्षी नहीं रह सकता। नाग कन्या पुलुपी प्रिय प्रियतम, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो चलिए मैं आपको वहीं पहुंचा दूं। तो क्या उसी तरह बांध कर? नहीं, अपनी माया से। मैं एक बार अवश्य जाऊंगा तीर्थ यात्रा से लौटते, तुम गंगा तट पर इसी जगह मेरी प्रतीक्षा करना। उन्नती चाहता हूँ कि तुम कौन हो। आपने मेरे शिकार पर बाण क्यों चलाया? और तुमने मेरे हिरण पर बाण क्यों चलाया? आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। पहले तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? अरे अरे, ये क्या, धनुष बाण से नहीं? तुम तो बड़े उद्दंड मालूम होते हो। मैंने मुझसे पूछा तो तुम बाण से ही जवाब देने लग गए। अरे वाह रे धनुर्धारी, पता नहीं मैं कौन हूँ? पांडु कुमार अर्जुन का सखा और पांडु सभा का विदूषक। अब उत्तर दो। तो आप कुंती पुत्र अर्जुन है? क्यों? हाँ, और तुम? मैं एक राजकुमार। राजकुमारिया, शरद का पूर्ण चंद्र। राजकुमारी राज, चलो चले। और ये हिरण? ये हमारी तरफ से पांडु कुमार को भेज। अरे अरे सुनिए तो, मैंने कहा सुनिए, ये आपका शिकार है। बाण तो आपने मारा है, लेकिन घायल तो आपने भी किया इसे। इसीलिए तो आपकी भेंट है। मेरी भेंट? धनंजय का नाम सुनते ही सारी हेकड़ी हवा होगी, सर पे पांव रख के फाड़ गए। अरे आप यूं इस तरह उधर क्या देख रहे हैं? मणिपुर की शोभा तुमने नहीं देखी विदूषक? नहीं तो कहां, कैसी? 16 कलाओं से हंसता हुआ चंद्रमा, उस पर लहराते हुए काले बादल, गुलाब की पंखड़ियों पर सोए हुए दो काले भ्रमर, और बस 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 महाराज, मुझे मति ब्रह्म हो रहा है जो मैं आपकी बातें नहीं समझता, या आपको मति ब्रह्म हो गया है जो अंट शंट ठोक रहे हैं। विदूषक हम यही रहेंगे। यही क्यों? न यहाँ खाने का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, और सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ वन में शिकार खेलेंगे,
और यहाँ की शोभा देखेंगे। मणिपुर की शोभा तुमने नहीं देखी विदूषक? क्यों नींद नहीं आती क्या राजकुमारी? नहीं, ना मालूम आज क्या हो गया है। किंतु मुझे तो मालूम है, जब मैं छोटा सा था तब मुझे सुलाने के लिए मेरी माँ कहानियां सुनाया करती थी। कहिए तो आपको भी कहानी सुना दो जिसे सुनते सुनते आपको नींद आ जाए। सुनाओ सुनाओ प्रेमवंदा, कोई ऐसी धुन सुनाओ कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। धुन नहीं, कहानी सुनाती हूँ गाकर। जीवन ज्योत जगा के लहराती पवन चले, लहराती पवन चले, उमंगे नाच उठी मन में, तरंगे जाग उठी तन में। जब नैन से नैन मिले, जब नैन से नैन मिले, उमंगे नाच उठी मन में, तरंगे जाग उठी तन में।
विदुषक, हम मणिपुर के राजा के पास चलेंगे। हाँ महाराज, अब तो चलना ही पड़ेगा सुंदरता के साथ। विदुषक, ये मेरा सौभाग्य है कि अर्जुन जैसे महापुरुष ने आज मेरी कन्या को स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया। यदि मैं अपनी कन्या का हाथ इन हाथों में दे सकता तो मेरा मस्तक गौरव से उठकर शायद सड़क को भी छू लेता। परंतु परंतु क्या महाराज? राजकुमारी चित्रांगदा मेरी यही एक कन्या है, यही मेरा भविष्य, मेरी प्रजा और मेरे राज सिंहासन की आशा है। इसलिए मैं इसका विवाह पुत्री का धर्म के अनुसार करना चाहता हूँ और शायद धनंजय को यह स्वीकार ना होगा। महाराजन, ये कैसे हो सकता है भला? विदुषक, मणिपुर नरेश चिंता न करें, आपकी इच्छा पूरी होगी। मैं वचन देता हूँ कि आपकी कन्या से जो संतान होगी वो इसी राज्य महल की शोभा होगी। मणिपुर की प्रजा उसे पाकर अपने को सनात समझेगी और आपका राज सिंहासन भी उसे भरा रहेगा। धन्य है पांडव कुमार, आपने मेरी बात मानकर आज मुझे एक बड़ी चिंता से बचा लिया। महामंत्री प्रोहित जी, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। आज की रात कितनी सुहानी होती है राजकुमारी। हाँ महाराज, यही वो रात्रि है जिसका एक एक पल अपने पीछे एक इतिहास छोड़ जाता है और वो ही इतिहास मनुष्य के जीवन का आधार बन जाता है। तुम सच कह रही हो राजकुमारी, प्रथम मिलन की रात मधुर भी है और पवित्र भी है। चित्रांगदा दे। Ah.
कमल मुस्काए, जल में नील कमल मुस्काए, भंवरा झूमे गुनगुन गाए, भंवरा झूमे गुनगुन गाए, किरणों से हुए बरसात, घूंघट में हंसती कामिनी श्री कृष्ण भी आ रहे हैं, उनसे मिलने और उनके साथ कुछ दिन रहने का लोग मुझे यह रहने की आज्ञा नहीं देता। तो क्या आपको दासी से ज्यादा वासुदेव का ख्याल है? नहीं देवी, वो तो मेरे मित्र हैं। भला कहां वो और कहां तुम? तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है, तुम विश्वास रखो, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि रुक जाए। यही ना, नहीं देवी, जब आपने जाने का निश्चय ही किया है तो अवश्य जाइए, किंतु दासी को भूल तो न जाओगे? स्वप्न में भी नहीं। श्री कृष्ण से मिलने के बाद मैं शीघ्र ही लौटूंगा, विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। पांडव पुत्र की जय हो। क्या है उर्मिला? महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, रथ तैयार है। कहो हम आ रहे हैं। जो चित्रांगदे, कीर्ति ला करो पांडु कुमार, यदि यहाँ कोई कष्ट हुआ हो तो। अरे वाह राजन, यहाँ तो हमें वो सुख मिला है जो सारी तीर्थ यात्रा में नहीं मिला। वाह, रोज नए नए भोजन, तरह तरह हलवा, लिप्त हुई पूड़िया और मोदकम। विदुषक, अच्छा तो महाराज अब मैं चलता, सुखी रहो पांडु कुमार। सारथी,
कहा युधिष्ठिर ने? दूत को भेज दिया है, जल्दी पता लग जाएगा। पता लग जाएगा, न जाने कब पता लगेगा और कब मेरे चित्त को शांति होगी। नारायण देवर्षि पधारिए। राजमाता। महामुनि के चरणों। हाँ हाँ राजमाता, ये क्या, आपको तो चाहिए कि मुझे आशीर्वाद दें। भगवान के चरणों में तुम्हारी भक्ति बनी रहे। हाँ मुनिवर, आप अच्छे आए, मैं इस समय बड़ी चिंता में थी। चिंता? चिंता कैसी? मुझे अर्जुन की चिंता है, उसका बहुत समय से कोई समाचार नहीं मिला। बस इतनी सी बात है, आप कोई चिंता न करें, अर्जुन कुशल से हैं। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मणिपुर नरेश की कन्या चित्रांगदा के साथ विवाह किया है। विवाह? हाँ, उन्हें पुत्र भी हुआ है। पुत्र? अरे बबलू धीरे चल, गिर पड़ेगा। धीरे धीरे चलो राजकुमार, नहीं तो गिर पड़ोगे। क्या हुआ प्रेमवदा? देखिए तुम, महाराज के गोद से उतरते ही ऐसे भागे कि बस कुछ न पूछो। मुझे डर था कि कहीं गिर न पड़े। क्यों रे, भागने में बड़ा चतुर है, क्या शत्रुओं के सामने भी इसी तरह पीठ दिखाकर भागेगा? वाह, शत्रुओं के सामने कैसे भागेगा? वीर जननी और वीर पिता का पुत्र कभी युद्ध भूमि से भाग सकता है? नारायण। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मती हो, सुख सौभाग्यवती हो। ये क्या, मणिपुर के राजकुमार? हाँ महाराज, मणिपुर की आशा वीर अर्जुन कुमार। अर्जुन की माता को देख लिया, उनकी पत्नी को देख लिया, उनके पुत्र को देख लिया, अब उन्हें भी देख लूं, जिससे कि ये गुफा देखने की हार माला पूरी हो जाए। नारायण 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 नारायण। अरे महामुनि तो चले भी गए, उनसे ये तो पूछना चाहिए था कि बबरू के पिता इस समय हैं कहाँ। चित्रांगदा, बेटी चित्रांगदा, तुमने क्या सुना? क्या? अवधि पूरी करके तीर्थ यात्रा से वापस घर लौटते हुए महाबली अर्जुन यहाँ आ रहे हैं। आज अर्जुन जा रहे हैं मुनिराज। अच्छा तो आगे दीजिए वासुदेव। यहाँ से जाओगे कहाँ? हस्तिनापुर, लेकिन मणिपुर से होता हुआ। नारायण नारायण। अच्छा तो प्रणाम वासुदेव। यशस्वी हो। प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो धनंजय। अच्छा तो वासुदेव, अब मैं भी चलता हूँ। क्यों? जब अर्जुन मणिपुर जा रहा है तब तो मुझे भी वहां जाना होगा। तो ये बात है, भविष्य का बीजारोपण करने जा रहे हो। हाँ महाराज, इतनी बड़ी बड़ी विशाल शक्तियों से टक्कर है, परंतु याद रखना वासुदेव, एक बार तो आपका ये भक्त नारद अर्जुन को अपनी इस महती वीणा के तारों पर नचा कर ही छोड़ेगा। नारायण नारायण। लीला शीला, मेरे महल को इतना सजाओ कि वो मणिपुर के महल को भूल जाए, और उनके स्वागत की ऐसी तैयारी करो कि उन्हें कुछ दिन यहाँ रहना ही पड़े। और देखो इसे भी मणियों से सजा, वो इसे देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। नारायण। पधारिए मुनिराज। ये तैयारियां कैसी हो रही हैं? क्या कोई उत्सव है? उत्सव नहीं महाराज, पांडु कुमार अर्जुन यहाँ आने वाले हैं। नारायण नारायण, ये क्या कह रही हो नागकन्नी, भला वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? सुंदरी चित्रांगदा का प्रेम उन्हें यहाँ आने देगा? तो क्या वो यहाँ नहीं आएंगे? कदापि नहीं, वो चित्रांगदा के रूप में इतने उलझ गए हैं कि अब उनका सुलझना मुश्किल है, और फिर बबरू जैसे पुत्र का मोह। तुम तो क्या, तुम्हारी जैसी 100 सुंदरियां हो तो भी अब उनको अपनी तरफ नहीं खींच सकती। अगर ये बात है तो मैं भी कह देती हूँ कि मैं अर्जुन को चित्रांगदा से विमुख करके ही रहूंगी। मगर कैसे? अपनी माया से। मैं धनंजय के बुद्धि को अपनी माया में उलझा कर सब कुछ उलट दूंगी। वो कुमार को देखेंगे मगर पुत्र के रूप में नहीं, वो चित्रांगदा को देखेंगे मगर सती के रूप में नहीं। नारायण नारायण। Thank you.
समझे, अभी लाती हूँ। चलो राजकुमारी। ये कौन है? नहीं पहचान आपका। मुझे आपकी कन्या से महाराज पांडु के कुल की कीर्ति ज्यादा प्यारी। तुम्हारा मतलब? मतलब अपनी उस कन्या से पूछिए, उसकी गोद में खेलते हुए उस बच्चे से पूछिए, जिसे देखकर मेरे हृदय में ज्वालामुखी फूट पड़ा है। आपके परिमाणों से मना हुआ आपका पोता अर्जुन, इतना अभिमान अच्छा नहीं। एक निर्दोष स्त्री पर लांछन लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा? आज मुझे मालूम हुआ कि भारत के राजा लोग मणिपुर की कन्या को स्वीकार क्यों नहीं करते। अर्जुन, इतना अभिमान! नारी तेरे जीवन की ये करुण कहानी, मन में है लगी आग तो आँखों में है पानी। नारी तेरे जीवन की ये करुण कहानी, मन में है लगी आग तो आँखों में है पानी, आँखों में है पानी। सपनों का कोई आज महल तोड़ चला है, जीवन में जो आया था मुख मोड़ चला है। दुख दर्द के साथी की कोई बात न मानी, कोई बात न मानी, मन में है लगी आग तो आँखों में है पानी, आँखों में है पानी। संसार तेरा खेल के हंस तुमको रुलाया, संसार तेरा खेल के हंस तुमको रुलाया, निर्दोष के माथे पे क्या रंग लगाया, ये क्या रंग लगाया। पहचान नहीं आप कोई, पहचान नहीं आप कोई अपनी निशानी, कोई अपनी निशानी, मन में है लगी आग तो आँखों में है पानी, आँखों में है पानी। नारी तेरे जीवन की ये करुण कहानी, मन में है लगी आग तो आँखों में है पानी, आँखों में है पानी।
राजकुमारी धीरा चको राजकुमारी धीरज हजारों लाखों बिच्छू ने एक साथ डंक मारा है उर्मिला रोम रोम तड़प उठा है आज तू नहीं समझ सकती मेरे कष्ट को एक कष्ट ही नारी जात की संपत्ति है राजकुमारी क्या संसार में ऐसा भी हो सकता है कि पिता के आगे पुत्र को न पहचान सके नारायण नारायण हाँ माता की आंखों में और पिता की आंखों में यही तो भेद है देवी महामुनि महामुनि आप तो सर्वज्ञ हैं आप ही बताइए बताइए उन्होंने जो मुझ पर कलंक लगाया है वो भद्रे संसार में यही होता आया है पुरुष जाति सर्वदा स्त्री जाति पर इसी तरह अत्याचार करती रही है नहीं तो चंद्रमा में ठंडक के साथ काला दाग है सूर्य में प्रकाश के साथ गर्मी है और समुद्र में अमृत के साथ विष है परंतु तुम में इस कलंक के सिवा कि तुम बिल्कुल निष्कलंक हो और कोई कलंक नहीं ये मैं कह रहा हूँ आकाश कह रहा है और ये पृथ्वी कह रही है तो फिर मेरा अपराध केवल इतना ही कि तुम अपने आप को दुर्बल समझती हो राजकुमारी ये तुम्हारा अपमान नहीं समस्त नारी जाति का अपमान है अर्जुन ने तुम पर कलंक नहीं लगाया बल्कि तुम्हारे मातृत्व पर चोट की है एक माता की पवित्र भावना पर कीचड़ फेंका है लेकिन इस कलंक से बचने का उपाय प्रमाण प्रमाण मगर कैसे पुत्र पिता का प्रतीक होता है राजकुमारी खड्ग को काटने के लिए खड्ग ही काम में लानी चाहिए लेकिन कुछ नहीं देगी अर्जुन ने आज जो कुछ भी किया है उसे संसार की कोई माता सहन नहीं कर सकती उसने तुम्हारा तुम्हारी पवित्रता का और तुम्हारे बच्चे का परिहास किया है तुम्हें इसका बदला लेना ही चाहिए आज इतिहास फिर अपने आप को दोहराना चाहता है आपका मतलब अपने आप को पहचान अपनी शक्ति को तोड़ो स्त्री वो शक्ति है जो मनुष्य को जन्म देती है मगर माता वो शक्ति है जो मनुष्य का भाग्य और भविष्य बनाती है स्त्री की आंखों में आंसू है मगर माता की छाती में अमृत है तुम ये भूल जाओ कि तुम स्त्री हो तुम्हें केवल इतना ही याद रखना है कि तुम एक माता हो एक ऐसी माता जिसके पुत्र को उसके अंधे पिता ने अपवित्र कहकर ठुकराया है तुम्हें इसी से ये सिद्ध करना होगा कि ये उसी का पुत्र है क्या हाँ इसी पुत्र के कारण एक दिन अर्जुन को तुम्हारे सामने झुककर ये स्वीकार करना होगा कि ये अर्जुन का ही पुत्र है ये ईश्वरीय संकेत है देवी ईश्वरीय संकेत ईश्वरीय संकेत Thank you.
महामंत्री, जब से अर्जुन गए हैं, मैंने एक दिन भी चित्रांगदा के होठों पे मुस्कुराहट नहीं देखी। हाँ महाराज, हम लोग उनका चित बहलाने की जितनी भी कोशिश करते हैं सब व्यर्थ होती है। राजकुमार ने शेर के बच्चे पर सवारी गाट ली, इस पर उसकी माँ गुर्रा कर राजकुमार पर झपटी, लेकिन राजकुमार ने उन्हें बचा लिया। नारायण। प्रणाम मुनिराज। एक माता ने दूसरी माता की ममता को पहचान लिया। पशुओं में भी अपनी संतान के लिए कितनी ममता होती है। नारायण नारायण। परंतु ये घटना घटी कैसे? क्या बताऊं महाराज, बालक ही तो है, आंख बचा कर निकल आया और सिंह के बच्चे को घोड़ा बनाकर बैठ गया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, है भी तो गांडीवधारी पराक्रमी अर्जुन का बेटा, भला ये सिंह की सवारी नहीं करेगा तो क्या कोई कायर पुरुष करेगा? परंतु महाराज, क्या आप उस दिन की घटना को भूल गए? नहीं भूला, इसीलिए तो आया हूँ भद्रे, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि पिता के नाम से प्रसिद्ध होने के बजाय अपने नाम से और अपने पराक्रम से संसार में प्रसिद्ध होना, यही पिता पर पुत्र की विजय है। ईश्वर करे
तुम्हारा पुत्र विजयी हो देवी। जब तुम्हारा मुरझाया हुआ मुख मेरी आंखों के सामने आ जाता है, तब मुझे धनंजय के वो विष भरे तीर याद आ जाते हैं जो आज तक मेरे हृदय में बैठे नागन की तरह मेरे सीने को चबा रहे हैं। परंतु शोक कि मैं कुछ नहीं कर सकता, न इस अपमान का बदला ले सकता हूँ और न इस जलन को शांत कर सकता हूँ। बेटी आप विश्वास रखिए पिताजी, एक स्त्री को जितना अपने स्वामी का कुल प्यारा होता है उतना ही पिता का भी। कन्या पति और पिता दोनों के कुल की मान मर्यादा की रक्षा करती है। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बबरू के नाम के साथ अर्जुन के नाम का कोई संबंध न रहे। अतीत के गर्भ में जो कुछ छुपा है वो छिपा रहे, वर्तमान और भविष्य इस बात को न जान सके कि बबरू अर्जुन का पुत्र है। इसका कारण? कारण भविष्य बताएगा। मुझे स्वीकार है, मृत्यु के अंतिम पल में ही मैं बबरू को उसके पिता का नाम बताऊंगी। तो जाओ, आज तुमने पति को खोकर पुत्र पाया। पुत्र पिता का प्रतीक होता है, परंतु नारद जी के वचन को याद करो और अपने बबरू को इस योग बनाओ कि वो अर्जुन से बढ़कर प्रसिद्ध हो।
यही होगा पिताजी, यही होगा। उर्मिला, मैं बबलू को शस्त्र विद्या सिखाऊंगी। क्या हो रहा है राजकुमार? कुछ नहीं, आप तो आज बहुत दिनों में आए हैं। कहिए, आपके उन गांधीधारी के क्या समाचार हैं? राजकुमार, तुमने भी वही पूछा जो सब राजा लोग पूछा करते हैं। सच है, बलवान का डर सभी को होता है। तो आप ये समझते हैं कि मैं भी और राजा लोगों की तरह अर्जुन से डरता हूँ? और नहीं तो क्या, मेरे आते ही तुम्हारा पहला प्रश्न यही तो बतलाता है। आप भूलते हैं देवर्षि, भला मैं क्यों डरने लगा अर्जुन से? महामुनि, आपने बबलू का पराक्रम नहीं देखा अभी तक, एक बार देखेंगे तो पता चलेगा। नारायण नारायण, तब तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि राजकुमार की माता ने अपना काम अच्छी तरह से पूरा किया। हाँ महाराज, अब मुझे भी अपना काम करना है। कौन सा? बबलू को युवराज पद देकर अपना चौथापन व्यतीत करने के लिए वन गमन करना। ये तो बड़ा सुंदर विचार है राजन। महाभारत के युद्ध का प्रारंभ होने से पहले ही आप वानप्रस्थ स्वीकार कर लीजिए। मेरे विचार में यही ठीक होगा। नारायण नारायण। माता की आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है, इसे ना भूलना। बेटी, मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, पर भारतवर्ष के बड़े बड़े राज भी इसके सुख सौभाग्य और आनंद की इच्छा करते आए, परंतु कोई भी इस राज्य पे विजय ना पा सका। जानती हो इसका क्या कारण है? नहीं। यही इस राज्य की एक संपत्ति है, यही एक शक्ति है। ये देखो, इसी से इस राज्य का नाम मणिपुर पड़ा। ये मणिपुर को सारी आपत्तियों से बचाती है। इसे संभाल कर रखना और अपने उत्तराधिकारी को देना, यही रीति इस वंश में चली आ रही है। तुम भी इस मणि को संभाल कर रखना। यही होगा पिताजी। महामंत्री जी, महाराज, तुम्हारा राजा बालक है और राजमाता एक स्त्री, तुम इन दोनों को योग्य सलाह देना। बहुत अच्छा महाराज, मैं जाता हूँ। बेटा, बेटा ये कभी ना भूलना कि तुम महाबली अर्जुन के बेटे हो। मैंने तुम्हें जो माया सिखाई है उससे तुम्हें अपने पिता का नाम उज्जवल करना होगा। साथ ही एक काम और भी करना होगा। वो क्या मां? मणिपुर के राजवंश का सर्वनाश। क्यों? मणिपुर की रानी ने जो तुम्हारी माता के साथ बुरा बर्ताव किया है उसका बदला लेने के लिए ही मैंने तुम्हें नागलोक की सारी विद्याएं सिखाई। ये कभी ना भूलो। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो विशाखा के स्वयंवर में ही हो जाएगा। सुना है कि मणिपुर का युवराज भी आने वाला है, मगर हमारा इरावान भी। आज्ञा। यशस्वी हो।
कितना सुंदर है सरोवर का किनारा। और कुछ देर किनारे पर बैठे। सुंदर, महासुंदर, पहचानते हो ये कौन है? कौन? ये वही राजकुमारी है जिसका स्वयंवर हो रहा है, विशाखा। सच? तब तो क्या सोच रहा हूँ स्वयंवर के खटपट में क्यों पड़ा जाए, विशाखा का हरण करने में क्या बुराई? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ माया से राजकुमारी। कौन है तू? मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, वरना क्या? ये राजकुमारी कौन है? तुम कौन हो? मैं जिसके धनुष की तंकार को सुनकर चारों दिशाओं के छोर पर खड़े हुए दिग्गज कांपने लगते हैं। उसे गांधी हरि अर्जुन का पुत्र इरावान, और मैं इसके साथ व्यवहार करना चाहता हूँ। जाओ, तुम अपना काम करो, वरना पूरा होगा। लेकिन मेरे सामने से तुम राजकुमारी को उसकी इच्छा के बिना नहीं ले जा सकते। अगर तुम अर्जुन के बेटे हो तो जाओ, अपने पिता को भी यहाँ बुला लाओ, ताकि मैं आज तुम दोनों की शक्ति को अपने बाणों की नोक पे तोड़ लूं। अगर ऐसा ही है तो ले पहले पुत्र की शक्ति देख। आसुरी माया से विजय पाना चाहता है। जहाँ जाना चाहे जा सकती हूँ। वाहन के मुकुट में एक मणि, उस मणि के प्रभाव से ही तुम्हारी सारी माया निष्फल हुई और ब्रह्मास्त्र ने इसके प्राण ले लिए। क्या? तो क्या मेरा पुत्र अब जीवित नहीं होगा? हो सकता था, मगर वही मणि इसके प्राण वापस ला सकती। मणि? हाँ, बबरू वाहन के मुकुट में लगी हुई मणि कोई साधारण मणि नहीं है रूपी, उसमें अनेक शक्तियों के साथ संजीवन शक्ति भी है। उसे यह लाओ तभी शरीर में प्राणों का संचार होगा। तो मैं अभी मणि ले आती हूँ। हाँ उनकी इतना ठंडा ना, उसे चुराने या छलकपट से लाने की कोशिश न करना। तो फिर जब तक बबरू वाहन तुम्हें उसे अपने हाथों से न दे दे तब तक उसे छूना तक नहीं, वरना वहीं जलकर भस्म हो जाओगी, क्योंकि उस मणि का ऐसा ही प्रभाव है। बहुत अच्छा, मैं बबरू वाहन के हाथों से ही उस मणि को मांग कर लाऊंगी, उसे वह मणि देनी ही होगी।
आओ बेटी। अखंड सौभाग्यवती हो मेरे लिए घर लक्ष्मी बहन। तुम्हारा प्रताप सारे भारतवर्ष में फैले, सदा सुखी रहो। प्रियम बाबा उर्मिला, इस उत्सव में द्वार पर आए हुए यात्रियों को दान देना चाहती हूँ, इसका प्रबंध करो। जी राजमाता। मुझे मेरी पुत्रों के लिए सोने की आभूषण दी। मुझे मेरे पागल को देवी दी, तुम क्यों शांत खड़ी हो? बाबा तुम्हें क्या कह रही? तुमसे नहीं, मैं राजमाता से मांगा। मुझसे बाबा मैं दीदी कहते दिया, मैं राजमाता से मांगा। वनमाला राजमाता को खबर दो। जी प्रेम बाबा, राजलक्ष्मी को इनके कक्ष में ले जाओ। राज माता की जय हो। एक स्त्री आपसे दान लेने लिए हट कर रही है। ओ देवी, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मणि मुक्ता, सोना चांदी, गाय खाती कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या लो? जो मांगूंगी वही मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मणिपुर का राज, उसका राज्य है। ये मेरे अधिकार से बाहर की वस्तु है, इन्हें छोड़कर जो चाहिए मांग लो। देखिए महारानी जी, दूंगी की असर न दिया तो पाप लगेगा और ये पाप वज्र लेने हो जाएगा। तुम्हें जो कुछ मांगना है मांगो। मैं अपनी माता का वचन पूरा करने के लिए तुम्हारी मांगी हुई चीज अगर जहाँ न हुई तो लोगों में जहाँ कहीं भी होगी वहीं से लाकर दूंगा। तो ला, अपने मस्तक पर रखा हुआ मुकुट मुझे दे दे। क्या ये तुमने क्या मांगा? वही जो मुझे मांगना था मांग लिया। देना ना देना तुम्हारी इच्छा पर, न दे सकती हो तो ना कर दो। लेकिन इसे लेकर तुम क्या करोगे? तुम कुछ और मांग लो। ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसके साथ मणिपुर का भाग्य बंधा हुआ है। क्यों राजकुमार चुप क्यों खड़े हो? माता का की में छुप दान पूरा करते हो या मैं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये मुकुट खुशी से ले जा सकती हो। लेकिन बेटा, पिताजी ने क्या कहा? याद करो, संसार में पिता से ज्यादा माता की मर्यादा रखी हुई है। धर्म पुकार पुकार कर कह रहा है कि पिता से 10 गुना ज्यादा माता का आदर करना यही पुत्र का धर्म है। माँ, अगर मेरे रहते हुए तुम्हारा वचन पूरा ना हो सका तो मुझे धिक्कार है। माता, तुम भी मेरे धर्म की माता लो और मेरी माता को आशीर्वाद दो कि उसके दरवाजे से कोई भी आता खाली हाथ नहीं लौटेगा। राजकुमार तुम धन्य हो, तुमने माता का गौरव बढ़ाया। राजरानी की जय। महाराज ये क्या कर रही हो राजकुमारी? फूल जैसी सुंदर वस्तु और पैरों में? मेरे लिए तो ये चंदन संसार की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी वस्तु है। लेकिन जो फूल भगवान पर चढ़ाए जाते हैं उन्हें मनुष्य के चरणों में बिछाना ठीक नहीं। ये फूलों की कोमलता का अपमान है। मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए इन पैरों में फूल बिछा रही हूँ। स्वार्थ? हाँ,
मेरे हृदय को इन चरणों में जीवन भर रहना है, उसके लिए कोई आसन तो चाहिए। सुंदर सुंदर भी हो, चतुर भी हो, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे हृदय के लिए मेरा हृदय सिंहासन है। आओ आज ये राजमहल अपने सौभाग्य पर फूला लाल समाता है। यहाँ की हर वस्तु से अभिमान बरस रहा है। ये देखो ये लरता हुआ प्रकाश, दीपकों की नाचती हुई ज्योति, इससे जगमगाते हुए खंभे, मानो सब के सब बस रहे हो। जानती हो क्यों? क्यों? सपने पूरे आज हुए, चमके आशा के तारे, सब सपने पूरे आज हुए, चमके आशा के तारे। मन मंदिर के हैं द्वार खुले, मन मंदिर के हैं द्वार खुले, कहते हैं नैन तुम्हारे। सब सपने पूरे आज हुए, चमके आशा के तारे। होठों पर है हंसी सुहानी, होठों पर है हंसी सुहानी, गीत नए मन गाए, गीत नए मन गाए, जीवन की रंगीन कहानी, जीवन की रंगीन कहानी, नैनों में इठलाए, नैनों में इठलाए। अब दोनों के हैं प्राण मिले, अब दोनों के हैं प्राण मिले, होंगे न कभी वो न्यारे। सब सपने पूरे आज हुए, चमके आशा के तारे। हम दोनों का साथ न छूटे, हम दोनों का साथ न छूटे, आपस में खो जाए, आपस में खो जाए, हम दोनों का साथ न छूटे, आपस में खो जाए, आपस में खो जाए। हाथ से मिलकर हाथ न छूटे, हाथ से मिलकर हाथ न छूटे, जीवन भर मुस्काए, जीवन भर मुस्काए। संसार सुहाना झूम उठे, संसार सुहाना झूम उठे, हंस हंस के साथ हमारे। सब सपने पूरे आज हुए, चमके आशा के तारे। इस मणि का इरवान स्पर्श करो। उठो, मैं कहा हूँ इरावान, तुम इस समय नागलोक में हो इरावान। बेटा, अब आज्ञा दीजिए। क्या अभी जा रहे हो? अश्वमेध नहीं देखोगे? नहीं पुपी, यज्ञ के समय तो मैं वापस भी आ जाऊंगा। तुम्हारी इच्छा, परंतु अच्छा होता कि तुम भी अर्जुन के साथ रहते। तुम्हारे साथ रहने से ही उसने महाभारत में विजय पाई और अब भी। अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माता, इन्हें जा।
गांडीव मेरे पास है, दिव्य शस्त्र मेरे साथ है, रथ की ध्वजा में बैठे हुए अंजनी कुमार मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। जब महाभारत जैसा युद्ध जीत लिया तब ऐसा है ही कौन जो मेरा सामना कर सके। नारायण, आप भी आ गए, पधारिए पधारिए, आना ही पड़ा। अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ जा रहे हैं और आप इन्हें छोड़कर द्वारका जा रहे हैं, इसीलिए मैं ये कहने चला कि कहीं ढाल में से नाहर न पैदा हो जाए। रहने भी दीजिए मुनिवर, ऐसी शंकाएं कायरों के लिए हो सकती हैं, वीरों के लिए नहीं। इस समय मैं अकेला ही जाऊंगा, यही मेरा निश्चय है। धन्य है, धन्य है। ठीक तो है, अर्जुन की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं। अच्छा फूफी, अब आगे कह दीजिए। कल्याण हो। अर्जुन, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, नारायण नारायण। पांडवों की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है बेटा। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता माँ। तुम्हें मानना ही होगा राजकुमार, महाभारत की विजय ने अर्जुन को संसार में इतना महान बना दिया है। तुम खुद ही देख लेना, अश्वमेध का घोड़ा सारे भारतवर्ष में घूम रहा है और अर्जुन उसके साथ है। अब देखना है कौन माई का पूत उसे पकड़ने का साहस करता है। उसे जरा मणिपुर की सीमा में तो आ जाने दो। नारायण नारायण। वो समर्थ है, उनकी पीठ पर द्वारकाधीश का हाथ है बेटा। तो मेरी पीठ पर मेरी माँ का हाथ है। माँ, जब तक तुम्हारे इस बालक के हाथ में धनुष है तब तक गांडीव तो क्या। अगर गांडीव के साथ वासुदेव का सुदर्शन चक्र हो तो भी यज्ञ का घोड़ा मणिपुर से युद्ध के बिना वापस नहीं जा सकेगा। सैनिक, आज्ञा महाराज। महामंत्री से कह दो नगर में ढिंडोरा पिटवा दे कि पांडवों को यज्ञ का घोड़ा मणिपुर की सीमा में घुसता ही पकड़ लिया जाए। बबलू, अब क्या होगा मुनिराज? चिंता न करो देवी, नारायण नारायण। ये सब क्या हो रहा है देव? कर्तव्य का पालन। कर्तव्य का पालन, पर कहीं इस कर्तव्य पालन में मणिपुर का राज्य नष्ट न हो जाए। राज्य का नाश हो जाए इसकी चिंता ना नहीं, स्वमान नष्ट न होना चाहिए। लेकिन देव, जरा सोचिए तो, कहां हम हो, कहां हम हो, कहां विश्व को विजय करने वाली शक्ति, छोटी सी शक्ति। देवी, डरने की आवश्यकता नहीं, मैंने जो कुछ किया है सोच विचार कर ही किया है, मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है। देव, विनाश के काले बादल को यहाँ ना बुलाइए, वरना यहाँ की सुख शांति प्रजा का अमन चैन, मेरा सुख सौभाग्य सब सब। देवी, ये क्यों भूलती हो कि युद्ध ही क्षत्रिय का जीवन है, युद्ध भूमि में मरना क्षत्रिय जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ये सब मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, स्त्री का हृदय, पत्नी की भावना, इससे कहाँ छुपाऊँ। कर्तव्य की वेदी पर सबका बलिदान करना होगा। देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, अगर तुम इस तरह हिल जाओगे तब तो मेरा अर्धांग ही बेकार हो जाएगा, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। परंतु देव, इस युद्ध का कारण? कारण न्याय, धर्म, मनुष्यता और कर्तव्य। अगर आप न्याय के लिए युद्ध कर रहे हैं तो मेरी सारी भावनाएं आपके साथ हैं। धन्य हो विशाखी, मुझे तुम्हारा साथ और माँ का आशीर्वाद भी चाहिए था। यही है इतना घोड़ा है, ले जाओ इसे अश्वशाला में। महाराज की जय हो। बहादुर, क्या समाचार है? महाराज, घोड़ा पकड़ा गया। घोड़ा पकड़ा गया, कहाँ? मणिपुर में। किसने पकड़ा? मणिपुर के युवराज बब्रुवाहन के सैनिकों ने। मणिपुर के युवराज बब्रुवाहन ने? मणिपुर के युवराज, आपके नाम भारत विजयी गांडी उधारी महारथी धनंजय ने एक संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा है राजदूत? उन्होंने कहलाया है कि ये घोड़ा जो तुमने पकड़ा है वो धनुर्धारी पांडवों के यज्ञ का घोड़ा है, जिसकी रक्षा अर्जुन के वो बाण कर रहे हैं जिन्होंने महारथी कर्ण, महात्मा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य को पृथ्वी पर सुला दिया था। आग से खेलने की कोशिश न करो, तुम अभी बालक हो,
तुम्हारे मुंह से आती हुई दूध की सुगंधी हमें तुम पर शस्त्र उठाने से रोकती है। मर्यादा से बाहर ना जाओ दूध, ये न भूलो कि तुम मणिपुर के राजकुमार के सामने खड़े हो। मैं भी वही बातें कर रहा हूँ राजमाता, जो धनुर्धारी अर्जुन के मुख से निकली हैं। उन्होंने साथ साथ में ये भी कहलाया है कि जो घोड़ा वापस लेकर स्वयं हमारी शरण में आओगे तो तुम्हारा राज्य बना रहेगा, तुम बने रहोगे, वरना तुम, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा वैभव, सब कुछ। बस करो, उनसे कह दो कि युद्ध की तैयारी करें, घोड़ा बिना युद्ध के नहीं मिल सकता। और साथ साथ ये भी कह देना कि जिस विजय का उन्हें इतना अभिमान है उस विजय में जो लोग उनके साथ हैं उन्हें भी बुला ले, भीम, नकुल, सहदेव और साथ में भगवान श्री कृष्ण भी इस बालक के बाण सबका एक साथ स्वागत करेंगे। इसे अश्वशाला में बांध दो। महामंत्री जी, सेनापति को आज्ञा सुना दो कि सेना तैयार रखे। अमर रहेगा राज ये, अमर रहेगा ये निशान, अमर रहेगा राज ये। सुहाग घर के आंगन में कह रहा है आज ये, कह रहा है आज ये। प्राण दे के लाज अपने देश की बचाएंगे, प्राण दे के लाज अपने देश की बचाएंगे। ये गीत मिल के गाएंगे, जीत हो हमारी जीत हो, जीत हो हमारी जीत हो। चले हैं युद्ध भूमि में वो कौन है जो रोक दे, चले हैं युद्ध भूमि में वो कौन है जो रोक दे। घमंड अपनी वीरता पे जिसको है वो टोक दे, घमंड अपनी वीरता पे जिसको है वो टोक दे। तनी हुई कमान से ये बिजलियां गिराएंगे, तनी हुई कमान से ये बिजलियां गिराएंगे। गीत हमारे गीत हो, गीत हमारे गीत हो। है छत्र छाया वीर माँ की ममता किए हुए, है छत्र छाया वीर माँ की ममता किए हुए। किसी की मांग का सिंदूर आसरा दिए हुए, किसी की मांग का सिंदूर आसरा दिए हुए। किसी सिंदूर की चमक में आगे बढ़ते जाएंगे, सिंदूर की चमक में आगे बढ़ते जाएंगे। ये गीत मिल के गाएंगे, गीत हो हमारी गीत हो, गीत हो हमारी गीत हो। Thank you.
सेना भाग रही है। ठहरो, ठहरो कायरो, एक मामूली बालक से डरकर जो तुम भूमि से पीठ दिखाकर भागते हो, ठहरो, ठहरो। तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में बड़ी देर लगी। मैं तो समझता था कि महाभारत विजय करने वाला महारथी अपनी सेना के आगे आ रहा होगा, मगर तुम तो पीछे छिपकर बैठे थे। क्या मुझे जीतने के लिए अपने देवी देवताओं को मना रहे थे? मणिपुर की युवराज, धनंजय को मुंह सूत्र देने की बजाय बाणों सूत्र देने की आदत है। फिर सोच क्या रहे हो, मैं तो कब सन बाणों की राह देख रहा हूँ। देखूँ तो वे लोहे के हैं या लकड़ी के। मालूम होता है तुम्हारी माता ने तुम्हें गाल बजाना ही सिखाया। मेरी माँ ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो अभी मालूम हो जाएगा, मगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो कुछ सिखाया है वो तो जग जाहिर हो चुका है। सारथी के भरोसे महाभारत जीतने वाले महारथी, आज मालूम होगा कि किसकी माँ ने क्या सिखाया है। ले संभाल। क्षत्रिय का बेटा हूँ, तुमने जिस तरह निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया था उस तरह मैं नहीं चलाऊंगा। गोपाल को याद करो धनंजय, अगर तुम्हें अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हीं को याद करो, वरना आज तुम्हें मेरे बाणों से कोई नहीं बचा सकता। बस दे, आया अर्जुन। मैं आ गया अर्जुन। वासुदेव, आप आ गए वासुदेव। वासुदेव, अच्छा हुआ कि आप भी आ गए, वरना संसार ये कहता कि बब्रुवाहन ने अर्जुन पर उस समय विजय पाई जबकि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं थे। अब तो आप भी हैं और आपका सुदर्शन चक्र भी है, तो क्या मुझसे भी युद्ध करोगे? आप तो संसार के पूज्य हैं, यदि आप शस्त्र उठाएंगे तो मुझे भी उठाना पड़ेगा प्रभु। वासुदेव, धनंजय मूर्ख बालक, इतना अभिमान तो ले, ये अर्जुन का ब्रह्मास्त्र। शांत, कहीं ऐसा ना हो कि आपके क्रोध की इस भयंकर ज्वाला में सारा जगत जलकर भस्म हो जाए। प्रभु, ये समय प्रलय का नहीं,
सृजन का है। एक अबोध बालक पर इतना क्रोध, क्षमा कीजिए इसे। क्षमा करूं किसे? इसे जो मेरे सामने अचेत पड़ा है। असंभव, इसने नर नारायण में से नर का संहार किया। इसने नर को पृथ्वी पर सुलाकर नारायण को चुनौती दी। इसने मेरे दाहिने हाथ पर खड़क का वार किया है मुनिराज। इस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है आपके सखा अर्जुन के अभिमान ने। वो अभिमान जिसने एक सती नारी पर कलंक लगाया, वो अभिमान जिसने संसार की सबसे बड़ी शक्ति को ललकारा, वो अभिमान जिसने एक बार आपके सहायता की भी परवाह न की। ये भी वो मेरा सखा है, शिष्य है, भक्त है। मेरी उंगली में उठा हुआ ये चक्र व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ नहीं जाएगा तो चलाइए ये चक्र मुझ पर। बेटे ने बाप को मारा, बाप ने बेटे के प्राण लिए, इसके बदले में आप पुत्र की माता का सर उड़ा दीजिए, ताकि एक साथ तीनों का सफाया हो जाए, इतिहास के पन्नों में तीनों के कहानी का नामो निशान मिट जाए। चलाइए चलाइए ये चक्र मेरे सामने खड़े। चित्रांगदे, मैं आरती से पूछती हूँ, आपका अवतार तो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा कांड होता रहा और आप सर्वज्ञ होते हुए भी इन दोनों को युद्ध करने से न रोक सके? सबको जानते हुए भी आपने बबलू के पिता को ये न बताया कि वो उनका पुत्र है, क्यों? आखिर क्यों? सच तो है प्रभु, आपको तो कहना चाहिए था, पिता और पुत्र को लड़ने से रोकना चाहिए था। रहने दीजिए देवर्षि, आपने जो प्रपंच रचा है उसमें मुझे भी फांस लिया। शांत रहो बेटी, मैं अपनी आंख से अपने ग्रह की लक्ष्मी को विधवा के रूप में देखूं, ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैंने अपने जीवन में कर्म, वचन, धर्म और सत्यता का पालन किया हो तो मैं अपने सत्य के प्रभाव से बबरू को जीवित करूंगी। बबरू, बेटा बबरू, उठो उठो, तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रही है। उठो उठो बेटा, उठो बेटा बबरू, बबरू उठो उठो, उठो बेटा बबरू, बेटा बबरू, बेटा उठो। माँ, कहाँ है अर्जुन? विशाखा, तुम यहाँ? माता तुम? ये सब क्या है? ये युद्ध भूमि है या? के समय युद्ध भूमि थी, मगर अब तो कर्म करने का समय आया है। कर्म? हाँ बेटा, मेरे लिए चिता तैयार कराओ, अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मेरे पिता? हाँ, जिनका तुमने अपने हाथों से शिरच्छेद किया है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैंने अपने पिता का अपने हाथों से शिरच्छेद किया? हाँ युवराज, महाबली अर्जुन ही तुम्हारे पिता है। क्या कहा? मेरे पिता अर्जुन? महाबली अर्जुन मेरे पिता? जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे अमृत पिला पिला कर बड़ा किया, उसी माता का सौभाग्य मैंने अपने बाणों से बेच दिया। प्रभु, मेरे समान पापी इस संसार में और कौन होगा? युवराज, शांत हो बबरू वाहन, तुम वीर पिता के वीर पुत्र हो, वीर माता ने तुम्हें वीरता का पाठ पढ़ाया है। इस तरह कायरों की तरह विलाप करना तुम्हें शोभा नहीं देता, साहस करो और अपने पिता को जीवित करने का उपाय करो। जीवित? क्या है जीवित हो सकते हैं? हाँ, मगर उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो सकता है तो बताइए मुझे क्या करना होगा। अगर ये जीवित हो सकते हैं तो मैं अपनी माता के लिए संसार में उथल पुथल मचा दूंगा। आप जल्दी बताइए मुझे क्या करना होगा। ये जीवित कैसे होंगे? मणिपुर के राज मुकुट में चढ़ी हुई मणि, जो कि इस समय नागलोक में है, वही तुम्हारे पिता को जीवित कर सकती है। तुम्हें पाताल में जाकर उस मणि को ले आना होगा और अपने पिता का मस्तक भी ले आना होगा, जिसे अश्वसेन ले गया है। मेरे पिता का मस्तक कहाँ है? वो नागलोक में। इस मस्तक को यहाँ क्यों लाए?
अपना बदला लेने के लिए। चोट खाया हुआ नाग बदला लेना नहीं भूलता। खांडवन जलाते वक्त अर्जुन ने जितना दुख मुझे दिया था उसे याद करते हुए मुझे यही करना चाहिए था। अब मेरा शत्रु किसी तरह भी जिंदा नहीं हो सकता। कुछ भी हो किंतु फिर भी तुमने ये अच्छा नहीं किया। हे भगवती वसुंधरे, तू ही प्राणी सर्व की माता। अगर मैंने मन वचन और कर्म से अपनी माता की आज्ञा का पालन किया हो तो मुझे मार्ग दे। बासुकीराज की जय हो। क्या है? भूलोक का एक जवान लड़का पाताल फोड़कर हमारे लोक में आया है। कौन होगा? मैं जानता हूं वो कौन है। तुम लोग जाओ और उसे बांध कर मेरे सामने ले आओ। इरावान तुम भी जाओ। देवी उलूपी। कौन देवर्षि? प्रणाम। नाग कन्या, तुम्हारे लिए एक बड़ा ही अशुभ समाचार है। अशुभ समाचार? हाँ, चित्रांगदा के पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता को न पहचानते हुए अर्जुन का वध किया है। क्या कह रहे हैं मुनिराज? तुम चाहो तो अर्जुन को जीवन दान दे सकती हो। मैं जीवन दान दे सकती हूँ? कैसे? सुनो, जिस मणि को तुम बभ्रुवाहन के पास से ले आई थी उसी मणि से अर्जुन जीवित हो सकते हैं, और उसी मणि को लेने के लिए बब्रू यहाँ तक आया है। लेकिन मणि तो नागराज वासुकी के अधिकार में है। ये तुम जानो, मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका। अब या तो तुम चित्रांगदा से बदला ले लो या अपना सौभाग्य सूर्य अस्त हो जाने दो। नारायण नारायण। नागराज, नागराज। क्या है? मैंने जो मनी आपके पास अमानत रखी है उसे मुझे वापस दीजिए और बबरू को छोड़ दीजिए। मनी वापस दूं? बबरू को छोड़ दूं? क्यों? क्योंकि बबरू मेरा भाई है। मेरे पिता धनंजय की देह युद्ध भूमि में पड़ी है। उन्हें जीवित करने के लिए मुझे उस मणि की जरूरत है जो मेरी माँ ने आपके पास अमानत रखी है। वो मणि किसी की अमानत नहीं बल्कि नागलोक की संपत्ति है। हाँ, किसी कारण से कुछ काल के लिए मणिपुर अवश्य चली गई थी, किंतु अब वो मणि इस नागलोक से वापस नहीं जा सकती। जाएगी कैसे? नहीं, मणि मेरी है, मैं मणि वापस लूंगा और जरूर लूंगा। इरावान, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस मणि को भूलोक में भेजकर नागलोक की शक्ति को निर्बल बना दूं? क्या तुम ये नहीं जानते कि नागलोक की संहार शक्ति इस मणि के सामने व्यर्थ हो जाती है? तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए सारी नाग जाति का सर नीचा झुकाना चाहते हो। नागराज, संहार करने वाली शक्ति ने रक्षा करने वाली शक्ति पर सदा विजय पाई है। संसार जानता है कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक बलवान होता है। मैं मणि यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। चुप रहे मानवी, देखते क्या हो। टूट पड़ो इस पर और छेद दो इसके रोम रोम अपनी विष से भरी हुई तीखी और नुकीली। सावधान, किसी ने बबलू की तरफ आग भी उठाई है तो। इरावान, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि तुम्हारा बीच में आना अच्छा नहीं। ये बात है। कर्कोटक, रास्ता रोकने की कोशिश मत करो। मगर भैया इरावान, तुम चिंता मत करो। Thank you.
Thank you.
आया बबलू। तो जानते ही ये मणि पहले भी नागलोक में थी। भगवान शंकर की दया से मणिपुर के राजा को मिली थी। इसके चमत्कार को देखते हुए इसका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं महाराज। तुम ठीक कहते हो नागराज। मैं भी जानता हूँ आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में पृथ्वी पर ऐसी चमत्कारी चीजों का रहना बुरा है। अर्जुन के जीवित होते ही तुम्हारी मणि वापस आ जाएगी। तुम विश्वास रखो। जो आज्ञा देवाधिदेव। ईरावान, बबलू वाहन यहाँ आओ। लो राजकुमार, जिस पर भगवान वासुदेव की कृपा उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं। ये यशस्वी कीर्तिवान। ये का मस्तक मेरे पास ले आओ। रूपी हाँ युवराज, अर्जुन को मणि का स्पर्श कराओ। बड़ी देर हो तुम्हें सोए हो। शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़े हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। काश तुम मेरे पुत्र होते तो अभिमन्यु का शोक सदा के लिए मेरे हृदय से निकल जाता। क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि यह तुम्हारा ही पुत्र है? विश्वास करने को जी तो चाहता है, मगर पार्थ, अगर मगर कुछ नहीं, ये तुम्हारा पुत्र है और यही इसका प्रमाण है कि इसने अपने पिता पर पूरी विजय पाई। यही आप भूलते हैं महाराज, ये पुत्र की विजय नहीं, माता की विजय है, मातृत्व की विजय है। बेशक ये देवी चित्रांगदा की विजय है। मुनिराज, मैं हारा, तुम जीते। नारायण नारायण। देवी देवी चित्रांगदे, मुझे क्षमा कर दो। बबरू
बेटा बबलू। नारायण नारायण। पिता और पुत्र के युद्ध की ये कहानी संसार के इतिहास में अमर रहेगी। पिताजी अब आप कुछ दिन यहीं ठहरिए और प्रभु आप भी इस बालक पर कृपा करके कुछ दिन यहाँ ठहर जाइए। हाँ मधुसूदन। और रह गए ये साधु बाबा तंबूरदा भला इन्हें कौन पूछेगा। अच्छा अपने राम तो चल दिए फिर कभी रमते हुए चले आएंगे। नारायण नारायण।